श्री गुरवे नमः। नामं गुरुदेवाय धीमते सममते श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नामं विष्णु पादाय राधिकाय प्रियात्मने। श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। नामं विष्णु पादाय आचार्य सिंह रूपिणी श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव नामिने। अतिमर्त चरित्राय स्वाश्रितानंच पालिने जीवदुखे सदात्राय श्रीनाम प्रेमदायिने। नामयं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवासवान देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्णा संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य जल प्रेमार्ध त्रिरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये विनतारिणी श्री रूपानुग विरुधाव सिद्धांत दंतहारिणी। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबधे पादाम्बुजाय ते नमः। नाम भक्ति प्रदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगमराय गौराविभावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवि सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 पास में प्रिय दास हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। दवन लास सरद हरि तथ जीव कुल उधर कारणी करुणा वारी कृपा वारी Yeah.
हाँ धरो कौन गाएगा? बलराम प्रभु इधर आगे आ जाओ, एक भजन गाओ। हरे कृष्णा, बोले श्रीमती राधा रानी की जय। सर तो कौन सा भजन गाए? हाँ धरो एक साथ में गा लो। 222 Hello.
दम्बिकार चक्र में अगा कर विष्णु लोक नम्र हाँ हरे कृष्ण, सब 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 रेडी हो जाओ जाने के लिए। 5 मिनट कथा कर देते। सुना, श्रीदाम को बुला दो। श्रीदाम और मृदंग बजाने वाले कौन है? मृदंग तरुण, तरुण को रेडी कर दो। तरुण और वो जो बच्चा मृदंग बजाता है कहाँ गया? हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री 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 माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्णा द्वारका में पहुँचे तो उन्होंने अपना पांच जन्य शंख बजाते ही पूरा द्वारका में पता चला कृष्णा वापस आए। सबके सब द्वारकावासी कृष्ण को स्वागत किया। कृष्णा सबको साथ में मिले और मिल करके अपना महल में प्रवेश किए। जब महल में प्रवेश किए कृष्ण तो एक थे लेकिन जब प्रवेश कर रहे हैं रुक्मिणी देख रहे हैं कृष्ण मेरे साथ में आ रहे हैं, सतवम्मा देख रही थी कृष्ण मेरे साथ में, मित्रविंदा देख रही थी कृष्ण मेरे साथ में, सबके सब देख रहे थे कृष्ण, सबके सब मेरे साथ में कृष्ण आए और प्रवेश उन्होंने किए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण कहते जो महिषियाँ इतने सुंदर थी, क्योंकि महिषिया कोई साधारण नहीं, ये सबके सब लक्ष्मी है, कहते इतने सुंदर थी जिनकी भ्रुकुटी जिनके भ्रूरभंग से ब्रह्मा शंकर तक भी जिसमें मोहित हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण का जो हृदय है कहते बिंदु मात्र भी कृष्ण का हृदय को ये चंचलता नहीं कर पाते थे ऐसे कृष्ण। इसलिए कृष्ण को जोगेश्वर कृष्ण को बताया गया। कृष्ण कौन है? कृष्ण जोगेश्वर है, उनका मन को विचलित नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कुछ कुछ लोग जैसे कृष्ण रास रचाए, कृष्ण ऐसे कुछ लीला किए जिसको लोग देख कर कृष्ण को ऊपर में कटाक्ष करते हैं, अरे कृष्ण क्या सब उल्टा पुलटा गोपियों को लेकर उन्होंने क्या नाच नचे हैं। तब यहाँ पर कहते नहीं, कृष्ण का तत्व को हम नहीं जानते हैं। इसलिए कृष्ण जब रास लीला कर रहे थे उस समय कामदेव भी आ गए, लेकिन कामदेव भी स्वयं मोहित तो हो गए लेकिन कृष्ण किसी को प्रति मोहित तो नहीं हुए। अभी कृष्ण जो द्वारका में गए अभी द्वारका में पहुंचे, इतने में से विदुर जी, जैसे महाभारत युद्ध होने से पहले विदुर जी तीर्थ पर्यटन में चले गए थे, क्योंकि सोचिए ये महाभारत युद्ध होगा, आपस हम परिवार में युद्ध होगा, अतएव हमारा क्या जरूरत है, क्यों संत है ना, इसलिए उनसे इस लड़ाई फड़ाई से क्या मतलब है। उन्होंने तीर्थ यात्रा में निकले गए। तीर्थ यात्रा जब युद्ध समाप्त हो गया तो उन्होंने तीर्थ यात्रा करके वापस आए। जब वापस आए तब पांडवों ने पूछा प्रभु अब कौन सा तीर्थ में गए, कौन सा तीर्थों का आपने दर्शन किया, आपको तो कोई तीर्थ करने का जरूरत नहीं है, क्यों भगवत दिधा भागवता तीर्था भूता स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्बन्ति तीर्थानि शांतोस्तेन गदावृतम। बोले ये संतों को तीर्थ करने का जरूरत नहीं। बोले क्यों? बोले ये तो स्वयं तीर्थ है, क्योंकि इनके हृदय में भगवान की विद्यमानता, ठाकुर जी की विद्यमानता, फिर ये साधु लोग फिर तीर्थ क्यों करने जाते हैं। बोले तीर्थ कुर्बन्ति तीर्थानि, ये साधुओं में इतने शक्ति वैष्णवों में, जैसे पापी लोग आते हैं सबके सब तीर्थ में स्नान करते हैं और सारे के सारे पाप छोड़ कर चले जाते हैं, अब ये तीर्थ कैसे पवित्रता होगी। इसलिए जिस समय गंगा आ रही थी गंगा बोली मेरे दो समस्या है इसको हल करो फिर मैं जाऊंगी। बोले पहला समस्या है मेरे बैग को कौन धारण करेगा, दूसरी समस्या है मैं मरते जगत में जाऊंगी तो सब पाप लोग बोले चलो गंगा में नहा करके पाप को धो करके आते हैं, ये सब पापी आ करके स्नान करके गंगा में सारे पाप छोड़ करके चले जाएंगे। अभी
मुझे पवित्रता कैसे मिलेगी? बोले जैसे दुष्ट लोग भी पापी लोग जैसे आकर के स्नान करेंगे, संत लोग भी तो आकर के स्नान करेंगे। इसलिए जब संत लोग आकर के स्नान करेंगे उनका स्पर्श से ही तुम पुनः पवित्र हो जाओगे। और उन्होंने शंकर जी की जटा को आश्रय करते हुए आए। शंकर जी कौन है? ये वैष्णवा नाम जथा शंभो श्री भोले बाबा। इसलिए उन्होंने सारे तीर्थ की उन्होंने बात सुनाई। कहते जो विदुर जी है कौन? कहते ये विदुर जी किस शूद्र घर में जन्म हुए हैं, लेकिन ये कोई साधारण नहीं विदुर जी। ये पूर्व जन्म में कौन थे विदुर जी? बोलो। ये यम महाराज धर्मराज स्वयं थे। फिर उनको ये विदुर रूप में क्यों आना पड़ा? बोले कारण है, बोले एक समय एक ऋषि मांडव ऋषि थे, जब उन्होंने मरने का बाद जब उन्होंने पहुँचे हैं, जब पहुँचे इतने में जब महाराज चित्रगुप्त को बोले इसका कापी खोलो, इसने कितना पाप और कितने पुण्य किया है। बोले ये बचपन में जो फड़गी होता है ना, फड़िंग बचलो खेलते हैं ना, इसने क्या किया कि फड़िंग को पकड़ा, पकड़ करके उसको पीछे जो पूछ है उसमें एक कांटा को लेकर के उसको घुसा दिया, और घुसा करके उसने निकाल दिया। जब निकाल दिया था उसको उम्र बचपन जैसे छोटे छोटे बच्चे लोग खेलते हैं, और उनको तो बोले उनको सुली पर बैठा दो। जब उन्हें सुली पर बैठा दिया, लेकिन वो पूरा का पूरा सुली के ऊपर बैठे रह गए, वो नीचे ही नहीं उतरे। नहीं सुली में बैठा देने क्या होता है, झट निकल। अब सुली पता है पूरा ऐसे होकर के पतला होकर ऊपर जो सुई जैसे जाता है उसमें किसी व्यक्ति को बैठा था तो एकदम पूरा पीछे से लेकर सर को छेद करके नीचे आ जाता है, मतलब मृत्यु। लेकिन वो वही को वहीं बैठ रह गया, कुछ नहीं हुआ। फिर इतने में समझ गए भैया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साधारण व्यक्ति नहीं, उनको उतार, उनको उतार। फिर पता इतने में ऋषि ने अभिशाप दिया, बोले ये जमलोक में बैठी बैठी करके हैं आदेश देते रहते हो, तुमको पता ही नहीं बचपना कैसे बीतता है, जीव हाँ संसार में आ करके कैसे दुख कष्ट उठाते हैं और कैसे अपना जीविका निर्वाह करते, तुम्हें किसी बात पता ही नहीं, और यहाँ बैठ बैठ कर आदेश देते रहते हो। इसलिए उनको अभिशाप दिए, ये मरते जगत में 100 साल के लिए तुमको जाना पड़ेगा, और जा करके ये जगत को देखो, जगत में क्या होता है नहीं होता है, केवल आदेश देने पर काम नहीं चलेगा जमपुरी में बैठी करके। इसलिए उनकी अभिशाप से श्री यम महाराज को ये विदुर रूप में आना पड़ा। इसलिए वहाँ पर कहीं कहीं पर आता है 14 साल तक अगर बच्चे कोई पाप करे ना अज्ञान अवस्था में उसको धरा नहीं जाएगा, वो पाप को पाप नहीं मानी जाएगी। उसको बाद में जब उसको ज्ञान हो हैं, ज्ञान होने का बाद में जब कोई पाप करेगा फिर तो वो पाप को हैं उसको विचार किया जाएगा। इसलिए ये जो विदुर है इसलिए धर्मराज थे, इसलिए धर्मराज होने का नाते अब तो महाभारत की कथा सुने हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी दुर्योधन का पक्ष उन्होंने नहीं दिया। किसका पक्ष दिया है? उन्होंने पांडवों का पक्ष, हर समय उन्होंने धर्म का पक्ष दिया। लास्ट में क्या हुआ कि धर्म पक्ष देने के नाते लास्ट में उनको जो पद था मंत्री पद को भी उनको त्याग देना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अधर्म रास्ता को कभी उन्होंने नहीं अपनाया। इसलिए अभी कहते श्री कृष्ण और अर्जुन सारथी बन करके कृष्ण को कहां पर ले गई द्वारका में, लेकिन अभी 7 महीना हो गया लेकिन अभी अर्जुन वापस नहीं आ रहा है। एक दिन से युधिष्ठिर महाराज सारे अपशकुन देख रहे थे, उनको बाम आग फड़क रहा था, बाम भुजा फड़क रहा था, बाम प्यार फड़क रहा था। कहते ये पुरुष लोगों का अगर बाम आग प्यार हाथ ये सब फड़के ना ये अपशकुन है, लेकिन अगर माताओं का अगर डाहन अंग फड़के तो ये अपशकुन है। इसलिए पुरुषों का अगर डाहन नेत्र डाहन भुजा अगर फड़कता है ये अच्छा है। लेकिन उन्हें सारे अपशकुन देख रहे थे, कौआ का का कर रहे थे, गृध चिल्ला रहे थे, कुत्ता सबके सब चिल्ला रहे थे, ये सब अपशकुन है। इनको देख करके बोले मैं इतने सारे अपशकुन क्यों देख रहा हूँ? इतने में देखते देखते उन्होंने देखा अर्जुन वापस आते हुए देखा, लेकिन अर्जुन का पूरा चेहरा उतरा हुआ था, शरीर में कोई तेज नहीं था, श्रीहीन जैसा था, और अर्जुन रो रहा था। इतने में श्री
युधिष्ठिर महाराज ने कहा, बोले अर्जुन क्या हो गया, क्या रास्ता में तेरे कोई परास्त कर दिया तेरे को, ना बिना किसको खिलाए तुमने भोजन कर लिया, ना किसने तुमको अपमान किया है, ना अज्ञम स्थान में तुमने गमन किए हो। बोले ये सब काम नयन के तारे, हमारा जो हृदय सर्वस्व सचमुच से उसका नाम हरि है, उनने सबको हरण करके ये संसार छोड़ करके कृष्ण चले गए, ये संसार छोड़कर रोने लग गए। फिर उनको एक एक महिमा को गा रहे हैं। बोले भैया आपको याद होगा, बोले किस बात की, बोले जब हम जुआ खेल रहे थे, आप जुआ खेल रहे थे, पहले तो आपने सुवर्ण को दाव पर लगाया, उसको भी आप हार गए, फिर राज्य को दाव पर लगाया, उसको भी हार गए, फिर एक एक भाइयों को भी उन्होंने दाव पर लगाया, उसको भी आप हार गए, लास्ट में दुर्योधन ने कहा अभी भी तेरे पास में बहुत बड़ा एक संपत्ति। बोले कौन, बोले द्रौपदी। बस उन्होंने द्रौपदी को भी उन्होंने दाव पर लगा दिया, और जो द्रौपदी को हार गई, इतने में दुर्योधन ने कहा दुशासन ये अभी द्रौपदी राजराना नहीं, ये अभी हमारी दासी, जाओ उसको पकड़ करके ले आओ। और रजस्वला अवस्था में थी उसी समय में उसको केस को पकड़ करके घिसड़ते घिसड़ते उन्होंने भरी सभा में ले आए, भले उसको विवस्त्र करके मेरे जंघे पर बैठा दो। समाप्त नहीं हुई, दुनिया देख रहे थे साड़ी की कोई नारी ना, नारी बीच कोई साड़ी है। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। बोले भैया आपको याद है, बोले किस बात की, बोले मैं स्वयं शंकर जी को भी परास्त किया, खांडव बन को दहन करते हुए मैं स्वयं ये गांडीवी को प्राप्त किया। बोले किसकी कृपा से, बोले कृष्ण कृपा से ही सब कुछ हुआ है। बोले और याद है, बोले किस बात की, बोले ये द्रौपदी को पाना कोई साधारण बात नहीं था, क्योंकि नीचे रहेगा तेल की कढ़ाई और ऊपर में चक्र घूमेगी और उसको ऊपर मछली, अभी परछाई को देख करके उसको आंख में निशान लगाना पड़ेगा, लेकिन जो काम को कोई नहीं कर पाए, को किसने किया, ये काम को मैंने किया है, किसकी कृपा से, बोले ये कृष्ण कृपा से। बोले भैया आपको याद है, बोले जिस समय हम लोग को वनवास हो गया, जब दुर्वासा कभी दुर्योधन के पास में आया, ये तो दुष्ट है, खूब खिला पिला करके उसको खुश कर दिया। दुर्वासा शंकर जी का अवतार है, जब खुश कर दिया, बोले वर मांगो, बोले आप जैसे हमारी ऊपर में कृपा की, हमारा भाई लोग भी काम में भरने में उनको ऊपर में कृपा करो। लेकिन वो दूत से पता लगा रहा था, उनको पास में बटलोई था, पात्र था, सूर्य का दिया हुआ, पात्र को धो धा कर रख दिया। बोले द्रौपदी सर्वनाश हो गया, आज दुर्वासा 10,000 शिष्य लेकर के आए, यहाँ तो राजकोष है ही नहीं उनको खिला दे, ये साक्षात काल, शंकर जी का बता ना काल, ये दुर्वासा नहीं ये काल आ गए, लगता है आज प्राण जाएगा। उनको भेज दिए, बोले स्नान करके आओ, भोजन की व्यवस्था करते हैं। ये सबके सब बैठ गए, सबके सब बैठ करके विचार कर रहे हैं अभी क्या करनी चाहिए। बोले द्रौपदी यद्यपि हमें कृष्ण सबको प्रेम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कृष्ण तुम्हें प्रेम करते हैं, क्योंकि तुमको कृष्ण सखी बोल करके संबोधन करते हैं, अभी कृष्ण को तुम याद करो। और द्रौपदी आंखों से आंसुओं को बहाते हुए हृदय से उन्होंने कृष्ण को उन्होंने याद किया। बोले प्रभु आप तो पतित पावन हो, आप तो दीन बंधु हो, भक्तों की प्राण आप हो, मैं मेरे लिए चिंता नहीं करती हूँ, अभी तेरे पांच पांडव तेरे भक्त हैं, तेरे भक्तों को ऊपर भी विपत्ति आई है। और द्वारका में कहाँ कृष्ण द्वारका में थे, रुक्मिणी उनको सामने छापा छत्री से व्यंजन उनको सामने रखे हुए, इतने में द्रौपदी का आवाज टकराया कृष्ण को कान में, उन्होंने आया हुआ थाला को उन्होंने खिसक दिया। रुक्मिणी बोले प्रभु भोजन करो। बोले आज मेरे पास में समय नहीं, मैं आज भोजन मेरी सखी द्रौपदी को पास में करूंगी। बोले प्रभु आया हुआ थाला को अगर सरका करके चले गए ना, फिर कहीं खाना नहीं मिलेगा। बोले द्रौपदी मेरे पास में कोई समय नहीं। फिर कृष्ण इसलिए कहते ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं और द्रौपदी जैसे तो भुलाते नहीं। जब जब कृष्ण आ गए, बोले भैया कोई चिंता की बात नहीं, क्यों कृष्ण आ गए हैं। इतने में द्रौपदी बोली, बोले कृष्ण बोले द्रौपदी मैंने परसा हुआ थाला को मैंने छोड़ करके आया हूँ, मेरे को बड़ी तेज से भूख लग रहा है, कुछ प्रसाद की व्यवस्था करो।
बोले प्रभु इसीलिए तो आपको बुलाया, दुर्वासा 10,000 शिष्य लेकर के आए हैं, अभी स्नान करने के लिए गए इसलिए तो आपको बुलाया। बोले द्रौपदी पहले भोजन कराओ, उसको बाद में जो कुछ बात करना। बोले प्रभु आपको पता है जब तक मैं नहीं खाती हूँ दुनिया को खिला सकती हूँ, मैं खाने के बाद किसी को मैं नहीं खिला सकता हूँ। मैं खा पी करके पात्र को धो धा करके पलटा कर रख दिया, उल्टा करके। बोले लाओ तो सही दग ठाकुर की माया, उसमें एक किड़का अन्न का चावल था, बोले एक ग्लास पानी ले आओ। अब कृष्ण पी करके जब डकार उन्होंने तोले हैं, डकार उन्होंने उठाए, बोले मैं मेरा नाम विश्वम्भर हूँ, मैं तृप्त हो गया हूँ, विश्व ब्रह्मांड तृप्त हो जाए। जब उन्होंने बोले ये ऋषि लोग स्नान कर रहे थे पानी में, उनका पेट है ना इतना बड़ा बड़ा हो गया, और ऐसे लग रहा था जैसे चर्ब चुस् लेज पेय, जैसे गले तक हमने भोजन किया है, हजमोला खाने का भी हिम्मत नहीं उनके अंदर में। इतने में बोले भैया बिना खाए पिए पेट इतना बड़ा बड़ा कैसे हो गया? एक दूसरे को देख रहे थे, बोले ये क्या है? बोले मैं भी तो सोच रहा हूँ ये क्या हो गया। इतने में कृष्ण बोले भीम जाओ उनको बुला करके लाओ। बोले प्रभु काल को क्यों नौता दे रहे हो? बोले गदा लेकर के जाओ, चिंता मत करो। ए भीमसेन गदा लेकर के आ रहे हैं, और दूर से जब ऋषि मुनियों ने देखा, बोले भैया ये तो खाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था किए होंगे, अगर खा नहीं पाएंगे तो ना गदा एक नीचे नहीं सबके सब पीठ के ऊपर गिरेगा, भागो। वहीं से भाग नहीं पा रहे थे, और जाते समय ना दुर्वासा आशीर्वाद देकर गए। क्या आशीर्वाद? जाओ तुम्हारे शत्रु का विनाश हो जाए, उल्टा उन्होंने आशीर्वाद उनको। और वहां पर गए तो मैदान खाली, पंचपाद द्वारक का परिकर है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के शरीर में कौन थे? धर्मराज का अंश, वो धर्मराज में चले गए। भीमसेन में कौन थे? पवन कुमार के अंश, वहां पर चले गए। अर्जुन में कौन थे? कौन थे? इंद्र का अंश, वो अपना चले गए। नकुल सहदेव में? अश्विनी कुमार दे, वो अपना पास में चले गए। लेकिन ये जो पांडव है कौन है? कृष्ण का नित्य परिकर है, ये अपना नित्य परिकर रूप में अपना धाम में चले गए पंच पांडव। लेकिन कुछ कुछ लोग कहते ना पहले द्रौपदी गिर पड़ी, उसके बाद नकुल सहदेव गिर पड़े, उसके बाद युधिष्ठिर, नहीं ये सब कोई नहीं गिर पड़े, ये भगवान की सबके सब नित्य परिकर है, अपना नित्य परिकर।